आने वाले समय में ऑटोमोबाइल्स का भविष्य किस तरह का होने वाला है, किस तरह की टेक्नोलॉजी पर वो दौड़ने वाले हैं, काफी हद तक अब वो तय हो चुका है। और इस टेक्नोलॉजी की मदद से कुछ पुराने और बहुत से नए मैन्युफैक्चरर्स इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन एक और नया प्रोडक्ट एज एन इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आई है ओरहा कंपनी का नाम है, और ये उनकी इलेक्ट्रिक बाइक है पहली, जिसका नाम है मेंटिस। तो क्या डिफरेंट इस ओरहा की इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिलता है, किस तरह का परफॉर्मेंस है, किस तरह की रेंज है, क्या डिजाइन में ऑफर करा गया है, और क्या फीचर्स ओरहा की इस मेंटिस इलेक्ट्रिक बाइक में देखने को मिलते हैं, सभी के बारे में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में हमेशा की तरह आपको बताऊंगा तीन धांसू और तीन नॉट धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस ओरहा मेंटिस के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ट्रैक के इस वीडियो में। मैं हूं अंकुर तनेजा। शुरुआत करते हैं ओरहा मेंटिस के रिव्यू की। शुरुआत पहले कर लेते हैं इस ओरहा की मेंटिस के डिजाइन में किस तरह का अपील देखने को मिल रहा है और क्या क्या किसमें डिजाइन में यूज करा गया है। सबसे पहले इसके फ्रंट की बात करें तो यहां पर काफी अग्रेसिव शार्प एंड ये आपको हेडलैम्प का इस तरह से डिजाइन देखने को मिलेगा। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स हैं, DRL कुछ इस तरह देखने को मिल रहे हैं। फिट एंड फिनिश का काफी अभी इशू है एंड ओरहा कह रही है अभी दिस इज नॉट द फाइनल प्रोडक्शन वर्जन, तो फिट एंड फिनिश आपको बहुत जगह मैं इस बाइक में दिखाऊंगा अभी जहां पर अभी काम करने की गुंजाइश है, लेकिन यहाँ पे मामला कुछ इस तरह देखने को मिल रहा है। फ्रंट फेस लेकिन काफी अग्रेसिव अपीलिंग और स्टाइलिश जरूर इसका लग रहा है। एंड टायर्स की बात करें तो फ्रंट में जो है इसमें 17 इंच के 110 सेक्शन के टायर्स देखने को मिल जाते हैं। ब्लैक आउट इसके अलॉय व्हील्स हैं एंड कुछ इस तरह से इसका मडगार्ड, फ्रंट मडगार्ड देखने को मिलता है। प्लास्टिक का यूज यहाँ पे करा गया है। एंड साइज से भी आप प्रोफाइल देखेंगे, ओवरऑल जिस तरह का डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफी शार्प, काफी एजी एंड काफी स्टाइलिश बाइक का डिजाइन रखा गया और एंड वो स्पोर्टी अपील बाइक की साइड प्रोफाइल से बिल्कुल निकलती हुई दिखाई देती है। दो कलर का ऑप्शन है, ये जो कलर है ये जंगल ग्रीन है, एक फुली ब्लैक कलर है, इसमें थोड़ा आपको सिल्वर एलिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मेंटिस की बड़ी सी बैजिंग है, कुछ ग्राफिक्स का इस तरह से इस्तेमाल करा गया है। ओरहा कंपनी का नाम है तो यहाँ पे उसकी कहानी देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पे 9 किलोवाट आर की लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करा गया है, तो वही ब्रांडिंग आपको यहाँ पे इसकी बैटरी पैक के साइड पैनल में देखने को मिल जाएगी। एंड ये इसका ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक बाइक है, बैटरी पैक है एंड मोटर इसकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसकी प्लेस करी गई है। एंड इसमें जो है जो फ्रेम आप देख रहे हैं ये पूरे एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल करा गया है। एंड ओरहा कह रही है कि एरोस्पेस ग्रेड एल्यूमिनियम का इस इलेक्ट्रिक बाइक में इस्तेमाल करा गया है, तो वहाँ पर किस तरह कॉम्प्रोमाइज एज पर ओरहा यहाँ पर नहीं करा गया है। एंड ऑल्सो रियर की बात करें तो यहाँ पे जो है सिंगल चैनल ABS मिलता है जो कि फ्रंट में ही है। रियर में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है एंड रियर का जो टायर का साइज है वो 17 इंच 130 सेक्शन का है। एंड रियर में आपको मोनोशॉक यहाँ पर कुछ इस तरह से देखने को इसमें मिल जाता है। टेल लाइट की बात करूँ तो यहाँ पे भी LED का इस्तेमाल करा गया है। एंड यहाँ पे कुछ बॉडी कलर पैनल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, थोड़े बहुत एलिमेंट्स का कलर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से इस्तेमाल इसमें करा गया है। एंड टेल लाइट्स जो हैं वो भी इसमें LED हैं, ऑफकोर्स हेडलैम्प्स तो LED हैं ही, इंडिकेटर्स भी इसमें LED देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके अलावा सीट की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे स्प्लिट सीट वाला डिज़ाइन इसमें रखा गया है फ्रंट राइडर के लिए। एंड ये जो सीट है पैसेंजर के लिए या पिलियन राइडर के लिए है, तो मामला यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइट फील हो रहा है। आप देखेंगे काफ़ी छोटी इसकी सीट का ये साइज़ है, तो थोड़ी देर बेशक कोई बैठ पाए यहाँ पर अगर किसी को बिठाना चाहते हैं, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा भी लंबा आधे घंटे से भी ऊपर कोई बैठेगा तो ये कंफर्टेबल जगह नहीं है उसके बैठने के लिए। देन एक और डिज़ाइन में जो आपको नयापन देखने को मिलेगा वो है इसके टैंक वाले एरिया में। उमन आइस व्हीकल में तो पेट्रोल जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक में भी जो बाइक्स हमने देखी हैं वहाँ पर भी आइस वाला ही डिज़ाइन बरकरार रखा गया है, लेकिन यहाँ पर जो है टैंक की बजाय प्रॉपर जो टैंक का शेप है उसकी बजाय यहाँ पे ओपन कुछ इस तरह से इसका ये डिज़ाइन रखा गया है। आई डोंट नो कोई क्यों रखा गया है, इसका पर्पस क्या है। एक जो पर्पस ऑब्वियसली है वो है इसका ये चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे है, तो ये आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बट किस तरह से ये बाइक की राइडिंग में फ़र्क डालता है राइड के दौरान थोड़ा बहुत हमें पता चलेगा, बट मुझे लगता है यहाँ पे अगर ये क्लोज होता तो कुछ स्पेस थोड़ा बहुत सामान रखने के लिए या मोबाइल रखने के लिए यहाँ पे ज़रूर इसमें बन सकता, बट अभी फिलहाल कुछ ये डिज़ाइन ओरहा इस इलेक्ट्रिक बाइक में ऑफर कर रही है। एंड राइट साइड में आए तो यहाँ पे इसके हैंडल बार में किल स्विच
हेडलैम्प स्विच एंड यहाँ पे इग्निशन स्विच देखने को इसमें राइट साइड में मिल जाएगा। एंड लेफ्ट साइड में ये मोड का बटन दिया गया इसकी स्क्रीन कंट्रोल करने के लिए, इंडिकेटर्स, हॉर्न, पीछे इसका हाई बीम लो बीम स्विच दिया गया है। उसी के नीचे एक और स्विच दिया गया है जो कि इसके हैजर्ड लाइट का स्विच है। आपको ऑन करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह से यहाँ पे इसकी हैजर्ड लाइट्स आपको जलती हुई दिखेंगी। थोड़ा बहुत फिट एंड फिनिश का मामला यहाँ पे भी है, ओपन या कहें कि एक्सपोज यहाँ पे नट्स या एलिमेंट्स कुछ दिख रहे हैं जो अच्छे नहीं लग रहे हैं, बाइक की थोड़े जो अपील है उसको थोड़ा कमतर कर रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल मामला यहाँ पे है। थोड़ा यहाँ पे भी आप देखेंगे पैनल्स का जो मैं कह रहा था फिट एंड फिनिश में, यहाँ पे भी जो पैनल्स हैं यहाँ पे है टैंक के दोनों साइड में जो पैनल्स हैं, काफ़ी अभी मुझे लगता है यहाँ पर फिट एंड फिनिश को लेकर काम करने की गुंजाइश इसमें बाकी है। एंड ओवरऑल जो फील है बाइक के जो प्लास्टिक वाले पार्ट्स हैं वहाँ पर काफ़ी जगह थोड़े लूज एंड्स मुझे देखने को मिल रहे हैं। अब स्क्रीन वाले पार्ट पर आए, आप देख रहे हैं चश्मा पहना हुआ है, मुझे अच्छे स्क्रीन दिख नहीं रही है तो मुझे चश्मा हटा के स्क्रीन देखनी पड़ रही है। बट एक जो इशू इसकी स्क्रीन को लेकर ही मुझे फेस हुआ वो है, अगर बाइक जब बंद होती है, अभी मैं बंद नहीं कर रहा क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो बाइक ऑन करने के बाद स्क्रीन एटलीस्ट 1 से 1.5 मिनट लेती है इसके डिस्प्ले को ऑन होने में। तो ये भी एक इशू भी फिलहाल इनके सॉफ्टवेयर में यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन देखने को मिल रहा है। अदरवाइज ये 5 इंच का TFT स्क्रीन है, कलर डिस्प्ले है जहाँ पर आपको रेंज का इन्फॉर्मेशन, बैटरी परसेंटेज, स्पीडोमीटर, ट्रिप मीटर, ये सब इन्फॉर्मेशन है। जो मोड का बटन दिया गया है लेफ्ट साइड में, इसको मैं प्रेस करूँगा तो यहाँ पर नेविगेशन आ जाएगा एंड सेटिंग्स, राइड एनालिटिक्स का ऑप्शन है, सर्विस इंटरवल, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ पे हैं एक्सेस, इनको आप कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ये वापस मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से इसकी स्क्रीन में ऑफर करा गया है इस ऑरा की मेंटिस इलेक्ट्रिक बाइक में। तो इसके अलावा एक और एलिमेंट मैं आपको इसका दिखाता हूँ राइडिंग पोस्चर को लेकर। तो अपराइट है एंड फुटपैक्स थोड़ा पीछे की तरफ है, तो वो स्पोर्टी आपको फील भी बाइक को चलाते वक्त आएगा। एंड ये कुछ एंगल इसका बैठते वक्त बनता है इस ऑरा की इलेक्ट्रिक बाइक में। एंड ओवरऑल फील जो है, जो ओवरऑल पोस्चरिंग जो है, मुझे कंफर्टेबल अभी फिलहाल लग रही है। चलाने के दौरान कैसी है उसकी आगे बात करेंगे। अब इस ऑरा की इलेक्ट्रिक बाइक में जो बैटरी पैक, जैसा कि मैंने आपको बताया 9 kWh का बैटरी पैक इसमें दिया गया है, किस तरह का पावर है, किस तरह का टॉर्क है, किस तरह की रेंज, अभी फिलहाल इस छोटे से ट्रैक पर हम इसको चला रहे हैं, किस तरह की रेंज में डिप देखने को मिल रहा है एंड किस तरह का परफॉर्मेंस इस ऑरा की इलेक्ट्रिक मेंटिस बाइक का है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उसके बारे में। तो बैटरी पैक इसमें दिया गया है 9 kWh का, तकरीबन 27 BHP के आसपास पावर है। मैक्स टॉर्क जो है वो है 93 Nm का और 0 to 100 ये टच करती है 8.9 सेकंड्स में। और रेंज जो ओरा क्लेम कर रही है इस मैंटिस की वो है 221 किलोमीटर IDC एस्टिमेशन के तहत। बट इस ओरा की मैंटिस में किसी भी तरह का कोई मोड नहीं दिया गया, यानी आप बाइक को 80-90 बैक टू बैक चला सकते हैं एंड उसकी रेंज भी उसी हिसाब से ही डिप होगी अगर आप उसको उसी मोड में चला रहे हैं, क्योंकि मोड इसमें और है नहीं, आपको उसी पर्टिकुलर एक ही मोड में चलाना पड़ेगा जो इसमें दिया गया है। और उसमें मुझे लगता है रेंज काफ़ी जल्दी डिप्लीट होगी और ये 220 का जो नंबर है इससे काफ़ी कम रेंज मुझे लगता है, 120-130 के आसपास की रेंज निकाल दे उस तरह की स्पीड या उस तरह की कंडीशंस के हिसाब से, तो मुझे लगता है वो एक डिसेंट रेंज मानी जाएगी। लेकिन अब परफॉर्मेंस वाले फैक्टर की बात करें तो वहाँ पर इनिशियल जो बाइक का पिकअप है अच्छा है, वही इलेक्ट्रिक वाला फील जो अमूमन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम देखते हैं, वैसा ही तेज तर्रार शुरुआत से बाइक में फील होता है, लेकिन उसके बाद मामला थोड़ा फ्लैट होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बाइक की टॉप स्पीड 135 किलोमीटर के आसपास है तो वो काफ़ी ग्रेजुअली बाइक फिर धीरे धीरे पकड़ती है। हालांकि इसको अभी मैंने सिर्फ एक छोटे से ट्रैक पर ही, जहाँ पर इसका टेस्ट राइड था वहीं पर चलाया है, रियल वर्ल्ड कंडीशन में चलाने का मौका नहीं मिला है। तो यहीं पर जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस इस बाइक के साथ हुआ उस हिसाब से मैं आपको ये अपना अनुमान बता रहा हूँ। एंड परफॉर्मेंस को लेकर या राइड क्वालिटी हैंडलिंग की बात करें तो वहाँ पर एक और इशू मुझे देखने को बाइक में जो मिला है वो है इसमें किसी भी तरह का रीजनरेटिव मोड नहीं दिया गया है। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही मैंने बाइक का एक्सेलरेशन छोड़ा तो वहाँ पर एक सडन ब्रेक वाला झटके वाला फील बाइक में आता है और ऐसा लगता है कि आप इसको तीसरे यानी कि लेवल होते हैं अमूमन रीजनरेशन मोड्स के, तो तकरीबन इसके टॉप रीजनरेशन लेवल पर आप इसको चला रहे हैं तो उस तरह का झटका इस बाइक में एक्सेलरेशन छोड़ने के बाद महसूस होता है। और वो एंड ये जो है काफ़ी सरप्राइजिंग मुझे लगा, स्पेशली टर्न्स पर जब मैं बाइक को धीरे कर रहा था, एक्सेलरेशन छोड़ रहा था, तो वहाँ पर मुझे बाइक में उस तरह का कुछ झटका सा देखने को मिल रहा है जो कि मुझे लगता है इसमें रीजनरेशन मोड नहीं दिया गया है, उसकी वजह से आपको वो हार्ड स्टॉपेज वाला ही फैक्टर महसूस हो रहा है इसका एक्सेलरेशन छोड़ते वक्त। सस्पेंशन सेटअप की बात करूं तो
जहाँ हम इसको चला रहे थे, इस ट्रैक पर चला रहे थे, वहाँ पर किसी भी तरह के पॉट होल या स्पीड ब्रेकर हमें देखने को नहीं मिले। तो सस्पेंशन सेटअप की बात करेंगे जब इसको हम रियल वर्ल्ड कंडीशन में चलाएंगे तो किस तरह का वो काम परफेक्टली कितना करता है नहीं करता है। लेकिन बात करूँ अब मैं सीट के हिसाब से, तो राइडर का जो सीट है काफ़ी कंफर्टेबल है, पोस्चरिंग मुझे इसकी काफ़ी अच्छी लगी है, रिलैक्स्ड है, एंड उसके साथ साथ इसमें एक स्पोर्टी स्टांस भी बाइक में देखने को मिलता है। फुट पैक्स थोड़े से पीछे की तरफ प्लेस करे गए हैं, तो वो स्पोर्टी स्टांस प्लस रिलैक्स पोस्चरिंग वाला फैक्टर मुझे कि इसमें काफ़ी अच्छा देखने को मिला है इस ओरा की मेंटिस में। ब्रेकिंग की बात करूँ तो सिंगल चैनल एबीसी इसमें आता है, तो ब्रेकिंग भी प्रिसाइज है, काफ़ी अच्छी बाइट है, और किसी भी तरह की दिक्कत तेज़ रफ्तार धीमी रफ्तार में मुझे ब्रेकिंग को लेकर इस मेंटिस में देखने को नहीं मिली है। अब बात करते हैं धांसु और नॉर्थ धांसु 11, क्या लगे मुझे इस ओरा की मेंटिस इलेक्ट्रिक बाइक को लेकर। तो पहले बात करते हैं नॉर्थ धांसु 11 जो कि 3 से 8 थोड़े ज़्यादा है। इसमें से पहला है इसकी ये रियर सीट को लेकर, पिलर सीट को लेकर, जो कि मुझे काफ़ी छोटी लग रही है और बहुत ज़्यादा देर तक कंफर्टेबल फील नहीं कराएगी जो भी पीछे बैठा हुआ था। दूसरा नॉर्थ धांसु एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है फिट एंड फिनिश के एलिमेंट्स को लेकर, पैनल्स में गैप देखने को मिल रहे हैं एंड फिट एंड फिनिश की जो गुंजाइश है वो काफ़ी अभी इस बाइक में देखने को मिल रही है। देन तीसरा एलिमेंट जो मुझे लगा है नॉर्थ धांसु वो है इसकी स्क्रीन को लेकर, इसका जो रीबूट टाइम है या बूट टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है, 1.5 से 2 मिनट के आसपास इसका स्क्रीन ऑन होने में लेता है। देन चौथा नॉर्थ धांसु एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है कुछ अनवांटेड नॉइजेज जो इसकी राइड के दौरान मुझे सुनने को मिली हैं, बेल्ट से, मोटर से एंड ऑल्सो ब्रेक्स में भी कुछ आवाज़ आ रहा था, तो मुझे लगता है वहाँ भी थोड़ी और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट अभी होनी चाहिए। अब धांसु एलिमेंट्स क्या लगे हैं मुझे इस मेंटस इलेक्ट्रिक बाइक के बारे में, तो पहला है इसका डिज़ाइन, स्पोर्टी, स्टाइलिश एंड येट अग्रेसिव इस बाइक का डिज़ाइन फ्रंट से, साइड और रियर सभी एंड से देखने में ज़रूर लगता है। देन दूसरा धांसु एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, अनवांटेड नॉइसेस हैं बट परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा इस बाइक में देखने को मिलता है। देन तीसरा और फाइनल धांसु एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसमें जो एल्यूमिनियम फ्रेम का इस्तेमाल करा गया है वो काफ़ी इसमें स्टर्डी फील बाइक को ज़रूर देता है एंड ऑल्सो इसकी पोस्चरिंग जो है वो भी काफ़ी कम्फर्टेबल देखने को मिलती है। देन तीसरा और फाइनल धांसु एलिमेंट जो मुझे इस बाइक के बारे में लगा है वो है इसकी पोस्चरिंग को लेकर, कंफर्टेबल है और बाइक साथ ही साथ एग्रेसिव और स्पोर्टी भी जरूर लगती है, तो ये भी एलिमेंट मुझे काफ़ी अच्छा इस बाइक का लगा है। ओरा को अभी इस बाइक में काफ़ी कुछ सुधारने की ज़रूरत है, फिट एंड फिनिश ऑफकोर्स वहाँ पर काफ़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, जो पिलियन सीट है वो मुझे लगता है थोड़ी सी और ब्रॉड होनी चाहिए, वहाँ पर अगर कोई बैठा है तो ज़्यादा देर तक मुझे लगता नहीं कंफर्टेबली बैठ सकता है। इसके अलावा जो राइड के दौरान मुझे कुछ इश्यूज फेस हुए तो वहाँ पर ही मुझे लगता है थोड़ा और काम करने की ओरा को भी ज़रूरत है। एंड जो इसका स्क्रीन दिया गया है वो भी बूट होने में काफ़ी टाइम लेता है, बाइक को टर्न ऑन करने के बाद भी तकरीबन 1.5 मिनट के आसपास उसका स्क्रीन ऑन होने में टाइम लेता है, तो काफ़ी एरियाज हैं जहां पर अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है और मुझे लगता है कस्टमर्स को बाइक डिलीवर करने से पहले ओरा को ये सब इश्यूज सुधार लेने चाहिए, और अगर अगले कुछ महीनों में ओरा इन सब चीज़ों पर काम कर लेती है, इनको सुधार लेती है, तभी ये ओरा की मेंटिस इलेक्ट्रिक बाइक कस्टमर्स के भरोसे पर खरी उतर सकती है।